सिंगरौली जिले के देवसर विकास खंड के डोंडकी गांव में आयोजित आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने 50 लाख रुपए के बजट से होने वाले निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। भूमि पूजन कर मंत्री ने कार्यों की शुरुआत कराते हुए कहा कि जिले में अन्य दूसरे विकास खंडों में भी इसी तरह के विकास कार्य किए जाएंगे। मंत्री ने आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्व सहायता समूहों को 21 लाख 15 रुपए की राशि का वितरण किया। वहीं शिविर में आए 119 आवेदन पत्रों में से 32 का मौके पर ही निराकरण किया गया। साथ ही कहा कि बाकी की समस्याओं को अधिकारी समय सीमा के भीतर निराकृत करें। मंत्री ने कहा कि जल्द ही उन गांवों में बिजली की व्यवस्था की जाएगी जहां अभी तक लोग बिजली की समस्या झेल रहे हैं। कार्यक्रम में मंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों का 23,40,000 रुपए बजट से होने वाले निर्माण व 9,20,00,000 के किचन शेड निर्माण का भी शुभारंभ किया। हमारा काम है निराकरण करने का, और ज्यादा से ज्यादा निराकरण हो, ज्यादा से ज्यादा सरकार के लोग जमीनी स्तर पर पहुंचे, उसके लिए सरकार पूरी तरह से सतत प्रयास कर रही है। और यही तो लोकतंत्र है, यही तो प्रजातंत्र है कि लोग अपनी बात कहीं भी जाके कह सकते हैं। पर सुलभ करने के लिए और सुविधा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके माध्यम से मंत्री भी जाते हैं और जिले के बड़े से बड़े अधिकारी सारे लोग वहां जाकर सुनवाई करते हैं, तत्काल निराकरण करते हैं। और हम समझते हैं इससे अच्छी पहल नहीं हो सकती, और कोई एक दिन एक सप्ताह के लिए नहीं है, ये तो पूरे 5 साल के लिए हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से निराकरण हो रहे हैं और किस तरह से लोगों की सुनवाई हो रही है। और जन समस्या के लिए कलेक्टर के पास तो जिले में भी जो जाना चाहे जा सकते हैं, उसमें कोई परहेज नहीं है। तो लोगों की सुविधा का पूरा ध्यान रखने की हमारी सरकार कोशिश कर रही है।